हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी मेंटो। आज हम स्टडी करेंगे ड्वेल लॉजिक। तो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एसओपी फॉर्म एंड पीओएस फॉर्म के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया था, और एसओपी फॉर्म एंड पीओएस फॉर्म का जो कंसेप्ट हम लोगों ने स्टडी किया था वो आपको अब थ्रू आउट द सिलेबस साथ लेकर चलना है। इसके अलावा जो ट्रांसपोजिशन थ्योरम था जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, उसका भी यूज आज के लेक्चर में भी होगा और आगे आने वाले लेक्चर्स में भी होगा, तो उसको भी आपको ऑलवेज साथ लेकर ही चलना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग ड्वेल लॉजिक स्टडी करेंगे। तो हेलो शुभम, हेलो लिपिका। तो बेसिकली शुभम, आपने फर्स्ट लेक्चर रिवाइज कर लिया होगा, तो आज आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टडी करने में। तो आप देखो, यहां पर जो हमारा ड्वेल लॉजिक होता है ना, तो ड्वेल लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए या ड्वेल लॉजिक को समझने के लिए आपको ना पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक का कंसेप्ट स्टडी करना होता है। लेकिन ड्वेल लॉजिक को स्टार्ट कराने से पहले ना, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद फिर हम ड्वेल लॉजिक यहां पर स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट के टू लेक्चर्स में बहुत सारे बुलियन इक्वेशन देखे हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखे हैं, उसको मिनिमाइज भी किया है। तो एक छोटा सा आप नोट लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल बुलियन एक्सप्रेशन पॉसिबल विथ एन वेरिएबल्स, ये नोट आप पहले लिख सकते हो, उसके बाद फिर हम लोग ड्वेल लॉजिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपका कंसेप्ट है टोटल बुलियन एक्सप्रेशन पॉसिबल विथ एन वेरिएबल्स, ये आपका होता है टू की पावर एन। तो बेसिकली यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, एग्जांपल से ही हम लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप देखो, यहां पर लेट सपोज अगर मैं एन की वैल्यू 1 कंसिडर करता हूं, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए हमारा, 2 की पावर 2, 4 आना चाहिए। तो एन की वैल्यू 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहां पर कि आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल लेट सपोज आपका ए है, तो उस एक वेरिएबल से आप कितने बुलियन एक्सप्रेशन बना सकते हो, ये हमें यहां पर चेक करना है। तो आंसर हमें पता है 4 है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो आप देखो, ए से आप एक ए बना सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, ए से आप एक ए बार बना सकते हो, ये भी बिल्कुल फिक्स है। इसके अलावा ए से आप देखो ए इंटू ए बार बना सकते हो, और ए से आप ए प्लस ए बार बना सकते हो। इसके अलावा कोई भी एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है क्या, आप लोग चेक करके बताओ। अगर आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ओनली एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल ए है, ये आप लोग चेक करो। हेलो अनन्या, ठीक है, तो आप लोग यहां पर चेक करो कि एक ही सिंगल वेरिएबल है आपका, तो आप कैसे और इक्वेशन बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। तो अगर आप यहां पर चेक करोगे ना बहुत ध्यान से, तो आप देखो, आप बोल सकते हो कि a इंटू ए बना सकते हैं क्या, तो a इंटू ए तो a ही हो जाएगा, मैंने आपको सिखाया है। आप बोलोगे क्या a प्लस ए बना सकते हैं क्या, तो a प्लस ए तो a ही हो जाएगा, जैसे शुभम ने आंसर भी दिया है a इंटू ए, तो a इंटू ए इज a, तो आपको ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जो डिफरेंट हो, a प्लस ए इज अगेन a, तो ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जो डिफरेंट हो। तो यकीन मानो आप और कोई एक्सप्रेशन यहां पर नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल से आप 4 एक्सप्रेशन बना सकते हो, और वो 4 एक्सप्रेशन आपके क्या क्या होंगे, ए, ए बार, फिर आपका हो जाएगा 0, फिर आपका हो जाएगा 1, क्योंकि ए इंटू ए बार 0 होता है और ए प्लस ए बार क्या होता है, 1। तो 0 और 1 ना आपको ऑलवेज मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दो वेरिएबल भी होंगे तो कहीं ना कहीं 0 और 1 किसी ना किसी सिचुएशन में जनरेट जरूर होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप एक वेरिएबल का एग्जांपल लेते हो तो टोटल आप 4 एक्सप्रेशन बना सकते हो, वैसे ही अगर आप दो वेरिएबल का एग्जांपल लोगे तो 2 की पावर 2, मतलब टोटल आप 16 एक्सप्रेशन बना सकते हो डिफरेंट। वैसे ही 3 का एग्जांपल लोगे तो 2 की पावर 3, ठीक है, मतलब 256 एक्सप्रेशन। तो ऐसे करके ना आप एक्सप्रेशन बना सकते हो। तो आपको सारे आंसर यहां लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला जो है माइंड में रखना है कि अगर आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स गिवन होंगे और पूछेगा कितने एक्सप्रेशन आप बना सकते हो, तो आपको ये फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। और मैंने यहां पर एक एग्जांपल आपको दे दिया कि n इक्वल टू 1 से हम 4 एक्सप्रेशन बना सकते हैं, तो 2 की पावर 1, आपका 4 ही आंसर आ जाएगा। लॉजिक क्लियर हो गया?
तो ये एक प्रीवियस लेक्चर का ही आप बोल सकते हो टॉपिक है, रिलेटेड टॉपिक है। इसके आगे का कंसेप्ट हम ड्वेल लॉजिक में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने पहले आपको ये कंसेप्ट सिखा दिया। छोटा सा कंसेप्ट था, अब हम ड्वेल लॉजिक अपना स्टार्ट करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो यहां पर अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं और इसको मैं रिमूव कर रहा हूं यहां से। तो यहां पर अब अगर मैं ड्वेल लॉजिक पे आऊं, जो आज के लेक्चर का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो जैसा मैंने पहले भी आपको बोला कि ड्वेल लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ना पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक को पहले अंडरस्टैंड करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा आप सभी। देखो, तो सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव लॉजिक की बात करूं, तो पॉजिटिव लॉजिक आपका क्या होता है? पॉजिटिव लॉजिक का मतलब यह होता है कि लेट सपोज आपने 1 को दिया 5 वोल्ट और आपने 0 को दिया 1 वोल्ट, ठीक है? मतलब आपने 1 को हायर सप्लाई दी, 0 को आपने लोअर सप्लाई से कनेक्ट किया। अगर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आप कैसे माइंड में रख सकते हो, पॉजिटिव लॉजिक मतलब जब आप 1 को बड़ा मानते हो और 0 को छोटा मानते हो, दैट मींस इट इज पॉजिटिव लॉजिक। लॉजिक क्लियर हो गया? और सिमिलरली लेट सपोज आपने 1 को दिया 1 वोल्ट और 0 को दिया आपने 5 वोल्ट, तो जब आप 0 को बड़ा मानते हो और 1 को छोटा मानते हो तो आप कह सकते हो कि वो नेगेटिव लॉजिक है। आज तक आप जो भी पढ़ते आए हो, ठीक है, डिजिटल में आपने अभी 2 क्लास अटेंड की और उसके पहले भी आपने कभी ना कभी डिजिटल के कंसेप्ट स्टडी किए होंगे, भले ब्रीफ में स्टडी किए होंगे लेकिन किए जरूर होंगे। तो आज तक आप जो भी पढ़ते आए ना, बाय डिफॉल्ट आप पॉजिटिव लॉजिक में ही पढ़ते आए हो, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आपको एंड ऑपरेशन आता है तो वो पॉजिटिव लॉजिक में आता है, और ऑपरेशन आता है तो वो पॉजिटिव लॉजिक में आता है, एवरीथिंग आप पॉजिटिव लॉजिक में जानते हो, नेगेटिव लॉजिक में हमें समझना है। तो बेसिकली ड्वेल होता क्या है, अगर आपको कोई बोले ड्वेल कैलकुलेट करो तो इसका मतलब नेगेटिव लॉजिक कैलकुलेट करो, तो बेसिकली ड्वेल इज अ नेगेटिव लॉजिक कैलकुलेशन। ओके ओके अनन्या, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा फिर अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो, ठीक है। तो जो आपका ड्वेल होता है ना, ड्वेल बेसिकली आपका क्या होता है, ड्वेल आपका होता है नेगेटिव लॉजिक कैलकुलेशन, ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है ऑलवेज, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, लेट सपोज अगर मैं 1 को बोलता हूं -9 वोल्ट और 0 को बोलता हूं -11 वोल्ट, तो कोई बता सकता है चैट सेक्शन में कि ये कौन सा लॉजिक होगा, पॉजिटिव लॉजिक होगा कि नेगेटिव लॉजिक होगा? 1 को -9 वोल्ट दिया, 0 को मैंने दिया -11 वोल्ट, तो ये कौन सा लॉजिक होगा, ये आपका पॉजिटिव लॉजिक होगा कि ये आपका नेगेटिव लॉजिक होगा? क्या कोई बता सकता है यहां पर? कोई भी? 1 को मैंने -9 वोल्ट दिया और 0 को मैंने -11 वोल्ट दिया, तो कौन सा लॉजिक है ये? ओके, शुभम ने आंसर दिया, लिपिका ने आंसर दिया पॉजिटिव पॉजिटिव, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि -11 वोल्ट छोटा है, आपने 1 को बड़ा वोल्टेज दिया है, 0 को छोटा वोल्टेज दिया है, तो सिंपल सा लॉजिक हो गया पॉजिटिव लॉजिक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो जैसा मैंने बोला ड्वेल जो है वो नेगेटिव लॉजिक कैलकुलेशन है, सिंपल सा है। तो अगर यहां पर मैं एक ऑपरेशन ले लूं आपके लिए, तो लेट सपोज मैं एंड ऑपरेशन आपके लिए कंसिडर करता हूं, जो आज तक आप जानते हो मैं वही ले रहा हूं अभी, 0001 1011, और अगर मैं y ले लूं तो y कितना होगा आउटपुट एंड ऑपरेशन का, हमें बहुत अच्छे से आता है 0001, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो एंड ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन हो गया हमें रट जाता है, हम ज्यादा थिंक नहीं करते, बस हमें रटा हुआ रहता है, लेकिन अभी हमें सोचना है, थिंक करना है। तो अगर आप समझोगे ना, तो ये जो एंड ऑपरेशन आपने आज तक याद किया हुआ है वो बाय डिफॉल्ट आपने पॉजिटिव लॉजिक में याद किया हुआ है। अगर मैं इसका ड्वेल अचीव करूं, ड्वेल अचीव करूं मतलब मैं यहां पर अचीव करूं एंड नेगेटिव लॉजिक में, तो अगर आप यहां पर एंड नेगेटिव लॉजिक में अचीव करना चाहते हो तो आपको यह बात समझनी होगी कि जो इनपुट कॉम्बिनेशन है ना वो कभी चेंज नहीं होता है, इनपुट तो इनपुट ही है जो आप अप्लाई करते हो, मेन होता है आउटपुट जो अलग अलग लॉजिक में अलग अलग आंसर आपको दे देगा। तो इनपुट के लिए तो सिंपल आपको गिनती आनी चाहिए, इनपुट आपको पता है 2 वेरिएबल है तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे 0001 1011, ये हमें आना चाहिए। मेन अब समझो आप जो आज तक आप ऐसे ही रटे हुए हो उसको आप थ्योरिकली पढ़ने की कोशिश करो। देखो एंड मतलब क्या होता है, देखो ये आपका पॉजिटिव लॉजिक है ना बाय डिफॉल्ट, तो पॉजिटिव लॉजिक में मैंने क्या बोला आपको, 0 छोटा होता है 1 बड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो लो इंटू लो, लो इंटू लो, लो आंसर आता है, लो इंटू हाई, लो आंसर आता है,
हाई इंटू लो, लो आंसर आता है, हाई इंटू हाई, हाई आंसर आता है। तो आप सिंपली देख सकते हो कि एंड में अगर आपका कोई भी एक लो होगा तो आंसर लो होगा, अगर दोनों हाई होंगे तो आंसर हाई आएगा। ठीक है, इसी थ्योरी को आप एज इट इज यहां अप्लाई कर दो। बस ये बात ध्यान रखना, ये नेगेटिव लॉजिक है। नेगेटिव लॉजिक में जीरो हाई है और वन लो है। कौन हाई है? जीरो हाई है और वन लो है। हाई इंटू हाई क्या आता है? हाई, हमने पढ़ा है ना, हाई इंटू हाई, हाई होता है एंड में, और हाई कौन है यहां पर? जीरो। उसके बाद हाई इंटू लो क्या आता है? लो। लो कौन है यहां पर? वन। लो इंटू हाई क्या आता है? लो। लो कौन है यहां पर? वन। और लो इंटू लो क्या आता है? लो। और लो कौन है यहां पर? वन। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका आंसर आ गया, अगर आपने यहां थ्योरी अंडरस्टैंड कर ली थी। बस ये ध्यान रखना, यहां पर जीरो लो था, वन हाई था, यहां पर आपका वन लो है और जीरो हाई है। दैट्स इट। थ्योरी वही है कि कोई भी एक लो होगा तो आंसर लो होगा, दोनों हाई होंगे तो आंसर हाई आएगा। अब अगर लेट सपोज, अभी आपको बताया कि आपने ये एंड पॉजिटिव लॉजिक और एंड नेगेटिव लॉजिक में लिखा है, लेकिन अगर मैं इसको छुपा दूं, ये ऊपर वाले को अगर मैं छुपा दूं और आपको बोलूं भाई मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये क्या है, तो आप बोलोगे जीरो जीरो पे जीरो है, जीरो वन पे वन है, वन जीरो पे वन है, वन वन पे वन है। अरे भाई ये तो और ऑपरेशन है, और ऑपरेशन में यही होता है कि कोई भी एक वन होता है तो आंसर वन होता है, आपने ऐसा याद किया हुआ है, तो एक तरह से ये आपका और ऑपरेशन आ गया। किसमें? जो आपने याद किया हुआ है। तो आपने किसमें याद किया हुआ है आज तक? पॉजिटिव लॉजिक में। तो एक तरह से जो एंड नेगेटिव लॉजिक है वो आपका और पॉजिटिव लॉजिक के इक्वल है। तो अगर आप ये नेगेटिव वाला कंसेप्ट याद ही नहीं रखना चाहते हो तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हो, जो आपको याद है उसी के बेस पर आप बोल सकते हो कि एंड का ड्वेल और होता है। सिंपल सा लॉजिक है, एंड का ड्वेल कितना होगा? और होगा। ठीक है, एंड का ड्वेल और होगा आपका। आप एक बार अच्छे से देख लो इसको, कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ लो, सबके सब अच्छे से देख लो। अगर किसी को कोई भी डाउट हो रहा हो, कोई डिफिकल्टी हो रही हो तो आप यहां पर पूछ सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि एंड का ड्वेल और होगा? तो अगर हमें एंड का ड्वेल और समझ में आ गया है, अगर हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है शुभम, तो फिर हम क्या करते हैं, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो अब यहां पर मैं सेम चीज लेता हूं और के लिए, ठीक है, सेम चीज मैं यहां पर कंसीडर करता हूं और के लिए। तो यहां पर अब अगर आप देखोगे तो और हमें आता है आज तक जो हम पढ़ते आए हैं, जीरो ट्रिपल वन होता है। तो इसको भी अगर एक बार पढ़ ले तो ये पॉजिटिव लॉजिक में लो कौन है? जीरो। हाई कौन है? वन। तो लो प्लस लो लो, लो प्लस हाई हाई, हाई प्लस लो हाई, हाई प्लस हाई हाई। तो कोई भी एक हाई होगा तो आंसर हाई होगा, दोनों लो होंगे तो आंसर लो हो जाएगा। बस वही थ्योरी यहां अप्लाई करो। ध्यान रखना, और में नेगेटिव लॉजिक पढ़ रहे हो, मतलब जीरो हाई है, वन लो है, तो हाई प्लस हाई क्या होता है? हाई। हाई कौन है? जीरो। हाई प्लस लो हाई, हाई कौन है? जीरो। लो प्लस हाई हाई, हाई कौन है? जीरो। और लो प्लस लो लो, और लो कौन है यहां पर? वन है। तो ये आप सिंपली देख सकते हो ये आपका कौन सा ऑपरेशन है एंड पॉजिटिव लॉजिक में। तो यहां पर अगर मैं हाईलाइट कर दूं आपके लिए अब सिचुएशन को, तो आप देखो अगर आपको ड्वेल करना है तो आप एंड का ड्वेल लोगे और का लोगे एंड, दो दोनों तरफ से है, आप देख सकते हो एंड का और आ रहा है और का एंड आ रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डॉट का ड्वेल प्लस प्लस का ड्वेल डॉट। ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है, यह सब तो आप समझ गए, मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है वन का ड्वेल क्या होगा? वन का ड्वेल, मेरा यहां पर क्वेश्चन यह है आप सबसे कि वन का ड्वेल क्या होगा? ठीक है, आप सभी मुझे यह बताओ कि वन का ड्वेल क्या होगा आपका? कोई बता सकता है वन का ड्वेल? ओके, लिपिका ने आंसर दिया जीरो। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं, वन का नो डाउट, वन का ड्वेल जीरो होगा, जीरो का वन होगा। कैसे होगा आप देखो, ए प्लस ए बार, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं उससे आप समझ जाओगे।
ए प्लस ए बार कितना होता है? वन होता है, ठीक है। अगर आप इसका ड्वेल लेते हो, ड्वेल लेते हो तो मैंने क्या सिखाया, ड्वेल के लिए डॉट का प्लस करो, प्लस का डॉट करो, बस। तो अगर आप इसका ड्वेल लोगे तो क्या करोगे, ए इंटू ए बार। ध्यान देना, किसी भी इक्वेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी आप ड्वेल लो तो आपको सिर्फ डॉट का प्लस करना है, प्लस का डॉट करना है, और किसी चीज में कोई चेंज नहीं करना है। कहीं पर जबरदस्ती का बार मत लगा देना, जो बार पहले से था वो बाद में भी रहेगा, जो पहले नहीं था वो बाद में भी नहीं रहेगा। तो जब आपने प्लस का डॉट किया, जो कि आपने पढ़ा है, तो देखो ए प्लस ए बार वन होता है, उसका ड्वेल लिए तो ए इंटू ए बार आ गया, जो कि क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां से आप प्रूव कर सकते हो सिंपली कि वन का ड्वेल जीरो और जीरो का ड्वेल कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल्स को छेड़ना मत, मतलब बार मत लगा देना किसी में, किसी में बार हटा मत देना। आप कॉम्प्लीमेंट नहीं ले रहे हो, आप सिंपली ड्वेल ले रहे हो। ड्वेल का मतलब जब इक्वेशन गिवन होगा तो डॉट का प्लस करना है और प्लस का क्या करना है, डॉट करना है। पॉइंट क्लियर हो गया? वेरिएबल चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूं बार बार कि वेरिएबल को चेंज मत कर देना, ठीक है, मतलब बार मत ले लेना, सिर्फ डॉट का प्लस और प्लस का डॉट होना चाहिए और कुछ भी नहीं करना आपको। लॉजिक क्लियर हो गया अच्छे से सबको, ठीक है। तो यहां पर अब एक दो सिंपल सिंपल एनालिसिस हम लोग देखेंगे। ड्वेल काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसमें हम लोग और भी चीजें भी डिस्कस करेंगे। ओके, अब आप देखो यहां पर, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं ले रहा हूं यहां पर ए बी सी बार, ए बी बार सी और ए बी सी, ये मेरा यहां पर एग्जांपल है, ये काफी फेमस एग्जांपल है, ठीक है। मतलब ड्वेल को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसके आगे का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए काफी अच्छा एग्जांपल है। आप देखो यहां पर, अगर मैं यहां पर ड्वेल निकालू, वाई ड्वेल ए कॉमा बी कॉमा सी, तो जैसे मैंने आपको बोला ड्वेल का मतलब क्या है कि आपको डॉट को प्लस करना है और प्लस को क्या करना है, आपको डॉट करना है, उसके अलावा आपको और कुछ थिंक नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बार डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका वाई ड्वेल हो गया। अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से सुनना, एक कंसेप्ट हम लोग बनाएंगे यहां पर। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर हम लोग ये नीचे वाले इक्वेशन का वापस से ड्वेल ले लें तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसका ड्वेल लिए तो ये आया, इसका ड्वेल लेंगे तो आंसर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का डॉट वापस से करोगे, डॉट का प्लस करोगे तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। मतलब मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा कि दो बार ड्वेल लेने से सेम इक्वेशन वापस आ जाएगा, प्लस का डॉट फिर से वापस से डॉट का प्लस, ठीक है। तो यहां पर ये कोई बड़ी बात नहीं है कि दो बार ड्वेल लेने से सेम एक्सप्रेशन आता है। यहां पर ना एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, लेकिन इसको भी और आगे सॉल्व करना है हमें। तो आप देखो, अगर मैं एक और क्वेश्चन लू यहां पर, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और इसका भी अगर मैं यहां पर ड्वेल ले लू तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी। यहां पर भी अगर मैं आपको बोलू कि अगर आप यहां पर एक बार और ड्वेल ले लो तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि दो बार ड्वेल किसी भी एक्सप्रेशन कर लो सेम आंसर आएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसी ड्वेल वाले एक्सप्रेशन को और मिनिमाइज करते चलूं आगे दोनों प्रॉब्लम में, तो देखो ये वही प्रॉब्लम है। अगर सबने फर्स्ट क्लास अटेंड कर ली है, तो ये प्रॉब्लम मैंने पी प्लस क्यू प्लस आर के फॉर्म में करवाई हुई है। आप देख लो, ट्रांसपोजिशन थ्योरम का एग्जाम्पल था ये, सेम प्रॉब्लम मैंने करवाई हुई है पी क्यू आर के फॉर्म में। तो मैं प्रॉब्लम दोबारा करा देता हूं, लेकिन आप देख पाओगे बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बोला था कि ये दोनों इनको क्या ले सकते हो, आप ए ले सकते हो एक तरह से, अगर आप ट्रांसपोजिशन अप्लाई करोगे। तो ट्रांसपोजिशन मैंने आपको सिखाया है ना, ए प्लस बी ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी सी। मतलब अगर ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको यहां ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं तो दोनों ब्रैकेट में एक चीज कॉमन होना चाहिए, ए ए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो हम यूज नहीं कर रहे हैं पहले उसको एज इट इज लिख देते हैं ये वाले को। फिर देखो ये दोनों से जो कॉमन है वो फर्स्ट टर्म, मतलब ए प्लस बी, फिर जो
प्लस में क्या आएगा, जो कॉमन के अलावा दो वेरिएबल हैं, तो कॉमन के अलावा यहां क्या क्या है, सी बार और सी है, तो सी सी बार। ये ऑलरेडी सेम प्रॉब्लम मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है, वेरी गुड शुभम, ए प्लस बी सी। तो यहां पर सी सी बार कितना हो जाएगा, जीरो। फिर से देखो यहां पर ए कॉमन है आपका दोनों में, तो फिर से ट्रांसपोजिशन लगेगा, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू बी बार प्लस सी, तो बी इंटू बी बार जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी सी। तो ये जो हमारा आंसर आया है y12 a कॉमा बी कॉमा सी का, अब सेम चीज मैं यहां पर भी करूंगा, उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि मैं करना क्या चाहता हूं। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर भी इन दोनों में डायरेक्टली ट्रांसपोजिशन लग जाएगा, आप देख सकते हो, तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी सी और b प्लस सी। उसके बाद अगर मैं आगे सॉल्व करूं इसे, अब कोई ट्रांसपोजिशन नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आप देख सकते हो क्लियर कट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ओपन करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, ए बी ए सी बी बी सी बी सी सी। अब मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया कि बी इंटू बी बी होता है, सी इंटू सी सी होता है, तो यहां पर कितना बनेगा, ये ए बी ए सी बी सी बी सी। मैंने आपको यह भी पढ़ाया हुआ है कि अगर कोई टर्म रिपीट हो रहा हो तो उसको आप एक ही बार लिखोगे, मतलब BC प्लस BC आपका कितना होगा, BC ही हो जाएगा। तो आपका जो आंसर निकल कर आया है उसको आप थोड़ा ध्यान से यहां ऑब्जर्व करना। देखो मैं अपनी स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं जो मैंने पहले बोली थी, जब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इसका हमने एक बार ड्वेल लिया, इसका अगर दोबारा ड्वेल ले तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सेम यहां पर भी। और एक बात और आप ध्यान रखना, ये जो ड्वेल वाला एक्सप्रेशन है, इसको जब आप मिनिमाइज करते हो तब भी ये ड्वेल वाला एक्सप्रेशन ही है, एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने से उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। तो ये यहां से यहां तक पूरा ड्वेल वाला एक्सप्रेशन है, ये भी ड्वेल वाला है, ये भी ड्वेल वाला है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सही शुभम, यही होगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो दो बार ड्वेल लेने से सेम एक्सप्रेशन आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक बार आप ड्वेल लो, एक बार अगर आप ड्वेल लो और उसको सॉल्व करो तो वो ड्वेल ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो एक बार ड्वेल लेने से अगर सेम एक्सप्रेशन आ जाए, जो कि यहां आ रहा है, देखो यहां नहीं आ रहा था, यहां नहीं आ रहा था, लेकिन एक ही बार ड्वेल लेने से अगर सेम ओरिजिनल एक्सप्रेशन आ जाए, तो उस तरह के कंसेप्ट को हम बोलते हैं सेल्फ ड्वेल। मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सेल्फ ड्वेल का एक्सप्रेशन है, मतलब ये अपना ही ड्वेल है, खुद का ही ड्वेल है, इसलिए इसे बोला जाता है सेल्फ ड्वेल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कंसेप्ट को, दो बार ड्वेल लेने से सेम एक्सप्रेशन आए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबसे आसान चीज होगी मेरे हिसाब से। लेकिन अगर एक ही बार ड्वेल लेने से सेम एक्सप्रेशन वापस आ जाए, जो यहां पर हुआ, ठीक है, सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ चेंज किया, आपने सिर्फ मिनिमाइज किया था। तो अगर एक ही बार ड्वेल लेने पर सेम एक्सप्रेशन वापस आ जाए, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं सेल्फ ड्वेल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस तरह का एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाएगा, सेल्फ ड्वेल। और अब अगर मैं यहां पर एक कंसेप्ट बताऊं, नंबर ऑफ सेल्फ ड्वेल एक्सप्रेशंस विथ एन वेरिएबल्स, ये होता है आपका टू की पावर एन माइनस वन। तो नंबर ऑफ सेल्फ ड्वेल एक्सप्रेशन विथ एन वेरिएबल्स इतने बनते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं, आप समझना मेरे पॉइंट को। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी अभी आपको ड्वेल स्टार्ट करने से पहले बोला था कि टोटल एक्सप्रेशन कितने बनते हैं आपके विथ एन वेरिएबल्स, ये मैंने आपको बताया था टू की पावर एन। तो टोटल आपके बनते हैं, एन वेरिएबल्स हैं अगर आपके पास, तो टोटल बनते हैं टू की पावर एन। आउट ऑफ टू की पावर एन माइनस वन एक्सप्रेशंस ऐसे होंगे जो ऑलवेज सेल्फ ड्वेल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो टोटल यहां पर तीन वेरिएबल थे दोनों क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन में सेल्फ ड्वेल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई लेकिन एक क्वेश्चन में हुई। इसका मतलब क्या है कि तीन वेरिएबल में जितने भी एक्सप्रेशन बनेंगे, टोटल 256 बनेंगे, मैंने आपको बताया अभी, उसमें से कुछ सेल्फ ड्वेल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो जो करेंगे उसका फॉर्मूला यह है। अब मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, यहां पर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको अभी बताया था n इक्वल टू वन से चार एक्सप्रेशन आपके बन सकते हैं, a a बार वन और जीरो।
अगर मैं यहां पर सबका ड्वेल ले लूं जो n इक्वल टू वन, मतलब अगर मेरे पास एक सिंगल वेरिएबल a है तो टोटल आपके चार एक्सप्रेशन बन सकते हैं। अगर मैं सबका यहां पर ड्वेल ले लूं तो कोई बता सकता है कि a का ड्वेल कितना होगा? कोई भी बता सकता है कि a का ड्वेल कितना होगा? अगर हम लोग a का ड्वेल निकालें तो मुझे बताओ a का ड्वेल कितना आएगा? कोई भी, a का ड्वेल आपका कितना आएगा? वेरी गुड शुभम, ए ही आएगा। गलती से ए बार मत कर देना, मैंने ये लाइन बार बार बोली है। ड्वेल करने का मतलब ए का ए बार करना नहीं होता है, खाली प्लस को डॉट और डॉट को प्लस करना है। तो यहां पर जब कोई डॉट है नहीं तो प्लस क्या करोगे? जब प्लस है नहीं तो डॉट क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। वैसे ही ए बार का ड्वेल क्या होगा? ए बार वन का क्या पढ़ाया था? जीरो। जीरो का क्या पढ़ाया था? वन। तो अगर आप देखोगे एन इक्वल टू वन, मतलब एक वेरिएबल से जो कि हमारे पास ए था उससे टोटल एक्सप्रेशन कितने बने? चार बने। आउट ऑफ फोर आप देख सकते हो एक्सप्रेशन नंबर वन और टू ये आपकी सेल्फ ड्वेल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक बार ड्वेल लिया और आपको सेम आंसर मिल गया। लास्ट के दो नहीं करते हैं, वहां एक बार ड्वेल लेने से वन का जीरो मिला और जीरो का वन मिला, तो लास्ट के दो में सेल्फ ड्वेल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन स्टार्ट के दो में आपकी सेल्फ ड्वेल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां पर अगर आप फॉर्मूले में वेरीफाई करोगे तो n इक्वल टू वन पुट करोगे तो टू की पावर वन कितना होता है? फोर। तो टोटल चार एक्सप्रेशन बनेंगे, उसमें से टू की पावर n की वैल्यू वन पुट करने पर वन माइनस वन कितना होगा? जीरो। टू की पावर जीरो कितना होता है? वन। टू की पावर वन कितना होता है? टू। तो n की वैल्यू वन से टोटल चार एक्सप्रेशन बनेंगे, जिसमें से दो एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जो सेल्फ ड्वेल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने आपको n इक्वल टू वन के लिए एग्जांपल दिया है, आप चाहो तो n इक्वल टू टू के लिए, थ्री के लिए, फोर के लिए, किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने बनेंगे और उसमें से कितने जो होंगे आपकी सेल्फ ड्वेल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। लॉजिक क्लियर हो गया सबको अच्छे से? तो ये सिचुएशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए सबके सबको, ठीक है? अच्छे से देख लो, फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ओके, यहां पर एट लास्ट ड्वेल में हमें एक और कंसेप्ट देखना है, एप्लीकेशन ऑफ ड्वेल। तो आप देखो ड्वेल का एक बहुत ही बढ़िया यूज हो सकता है, वो है कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, ठीक है? जैसे कि सपोज करो अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर आपका एक एक्सप्रेशन है एबीसी, एबीसी बार ए बी बार सी, आप ये मत देखो कि ये मिनिमाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो सबके लिए यहां मैं नहीं बता रहा हूं आपको, दूसरी चीज बता रहा हूं। और आपको मान लो आपको बोला कि आप y का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है? y का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने बोला, तो आपके पास क्या प्रोसेस होगा कि आप पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, क्योंकि भाई आपको y का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला हुआ है। फिर आपको डी मॉर्गन लगा के थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो डी मॉर्गन आई होप आप लोगों को याद होगा, डी मॉर्गन मैंने सिखाया है ना कि अगर ए प्लस बी प्लस सी हो तो आप क्या लिख सकते हो? ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार। फिर आपको वापस से डी मॉर्गन देखो लगाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी बार। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आएगा वाई के कॉम्प्लीमेंट का, मतलब आपको सॉल्व करके ही लिखना होता है, ऐसा नहीं कि आप बस ऐसे छोड़ दिए। तो यहां पर ड्वेल का एप्लीकेशन क्या है ये समझो, सेम क्वेश्चन है आपका वाई, तो पहले आप क्या करो y का ड्वेल निकाल लो। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने बोला है फिर भी आप पहले y का ड्वेल निकालो, ड्वेल तो हमें निकालना आता ही है, तो पहले हम लोग y का ड्वेल निकालेंगे। आपको निकालने क्या बोला है? कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना y का कॉम्प्लीमेंट निकालने बोला है, जिसका ये प्रोसेस हो सकता था, मैं ड्वेल के थ्रू बता रहा हूं। तो पहले y का ड्वेल निकालो और फिर क्या करो y कॉम्प्लीमेंट अपने आप आपका आ जाएगा। पहले ड्वेल निकालो फिर क्या करो हर एक वेरिएबल को इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट करो। पहले क्या करो y का ड्वेल निकालो फिर हर एक वेरिएबल को इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट करो, आपका ओवरऑल आंसर y कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा। तो आप करके देख लो a बार b बार c बार, a बार b बार c, a बार b c बार, आप चेक कर लो दोनों आंसर आपके बिल्कुल इक्वल है, ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप इसको यूज ही करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा लगता है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट तो निकाल ही सकते थे, बस यहां पर क्या हुआ स्टेप बच गया आपके, यहां पर आपको दो दो बार डी मॉर्गन लगाना पड़ रहा है, यहां तो सिर्फ देख के बता सकते थे आप, ओनली देख के।
तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट आए और वाई कॉम्प्लीमेंट निकालने बोले, तो ये कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ड्वेल वाला मेथड भी बहुत अच्छा होता है। पहले ड्वेल ले लो, फिर हर एक वेरिएबल को इंडिविजुअली क्या कर लो, कॉम्प्लीमेंट कर लो, आपका अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहां पर कंप्लीट होता है ड्वेल लॉजिक। सबको समझ में आ गया ड्वेल क्या होता है आपका? ड्वेल मतलब कैलकुलेशन ऑफ नेगेटिव लॉजिक। इसके बाद देखो, बुलियन में ना बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार जब आपका लॉजिक गेट स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर आपके थोड़े बड़े बड़े कंसेप्ट चालू हो जाएंगे। बुलियन में क्या है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के छोटे छोटे कंसेप्ट है, जिनका बस आपको नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली जो हम बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं ना, वो आपका पूरा बेस बनाता है पूरे के पूरे सिलेबस का। उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं बुलियन अलजेब्रा से, लेकिन बेस भी बनाता है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो मैं आपको एक एक करके बताते चल रहा हूं। तो अगला कंसेप्ट है आपका वेन डायग्राम, बहुत इजी कंसेप्ट है। आप देखो यहां पर वेन डायग्राम, मैं आपको एग्जांपल देता हूं टू वेरिएबल का और थ्री वेरिएबल का। तो अगर मैं आपको टू वेरिएबल का यहां पर वेन डायग्राम का एग्जांपल दूं, वैसे आप लोगों ने वेन डायग्राम कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, सॉल्व किया होगा। ठीक है, क्वांट, एप्टीट्यूड, ये सब में भी आपने सॉल्व किया होगा, या थोड़ा बहुत आपने कभी देखा होगा। इतना ज्यादा बेस की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, मैं वैसे ही आपको बता दूंगा। तो आप देखो, वेन डायग्राम, टू वेरिएबल वेन डायग्राम का मतलब क्या है, आपको डिजिटल के हिसाब से थिंक करना है। देखो, मान लो आपका टू वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, आपको वेन डायग्राम के थ्रू लिखना है या वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो जितने वेरिएबल उतने सर्कल, या जितने सर्कल उतने वेरिएबल, ऐसा आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है शुभम। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा भी अगर आपने देखा हो, सुना हो, उतना भी काफी है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, आपको पता है दो वेरिएबल्स हैं डिजिटल में, आपको पता है दो वेरिएबल मतलब कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, चार। तो देखो यहां पर कैसे लिखोगे, यहां पर इस वाले सर्कल पे देखोगे अगर, इस पोजीशन पे, तो ए है पर बी नहीं, तो ऐसा लिखते हैं ए बी बार, इतना ही इजी होता है। यहां पर देखोगे तो ए नहीं है लेकिन बी है, तो आप क्या लिखोगे, ए बार बी। यहां पर अगर देखोगे तो दोनों हैं, तो यहां पर क्या लिखते हो, ए बी। बाय डिफॉल्ट ना एसओपी वाला फॉर्मेट ही सोचा करो, और यहां पर दोनों नहीं है तो ए बार बी बार, तो ये हो गए आपके दो वेरिएबल के चारों ऑप्शन। अब सवाल ये उठता है कि एग्जाम में प्रॉब्लम कैसी पूछी जाती है, तो एग्जाम में क्या करता है, आपको सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट करेगा और लेट सपोज आपको ऐसा कुछ दे देगा और बोलेगा डिटरमाइन द आउटपुट, या ऐसे भी बोल सकता है राइट डाउन द लॉजिकल एक्सप्रेशन या बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द शेडेड रीजन। ठीक है, तो शेडेड रीजन के लिए आपको आउटपुट निकालना है, बस एग्जाम में ऐसे ही आता है, इतनी इजी प्रॉब्लम है। पहली बात तो मतलब एग्जाम में इतनी इजी प्रॉब्लम भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी मतलब एक आइडिया मैं दे रहा हूं कि इतना इजी टॉपिक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा शेडेड रीजन का, देखो यहां पर ये सब लिखा नहीं होगा, ये लिखना हमें आना चाहिए था। देखो यहां पर मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, तो यहां पर क्या क्या हो जाएगा आपका, ए बी बार प्लस कितना हो जाएगा ए बी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ए बी प्लस बी बार आपका वन हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही आसान है आपका वेन डायग्राम, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है, यकीन मानो। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। अब यहां पर नेक्स्ट, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको थ्री वेरिएबल्स का, तो यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज भी सिखाऊंगा, आप ध्यान से सुनना। देखो, अगर यहां पर मैं थ्री वेरिएबल का एग्जांपल दूं, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो यहां पर जैसे मैंने आपको सिखाया है बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। देखो यहां पर ए है पर बी सी नहीं, यहां पर बी है लेकिन ए सी नहीं, यहां पर ए बी नहीं है सी है, यहां पर देखो ए और सी है, मतलब कितना हो जाएगा आपका ए बी बार सी, यहां पर ए बार बी सी, और यहां पर आपका हो जाएगा ए बी सी बार, ये वाला ना, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा ए बी सी, ये वाला जहां पर आपके तीनों के तीनों प्रेजेंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर तीनों के तीनों आपके प्रेजेंट होंगे, आप देख सकते हो ये। ठीक है, ये आपका क्या है, जहां पर तीनों के तीनों प्रेजेंट है, और अगर आप देखोगे तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई भी प्रेजेंट नहीं है,
तो देखो टोटल 8 कॉम्बिनेशन होने चाहिए 3 वेरिएबल के, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यस हमारे पूरे 8 कॉम्बिनेशन है। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा और उस क्वेश्चन की ना अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है, वेन डायग्राम के लिए तो है ही लेकिन वैसे भी बूलियन अलजेब्रा के लिए जो हम लोग मिनिमाइजेशन टेक्निक स्टडी किए थे फर्स्ट लेक्चर में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। तो आप देखो, अगर मान लो आपका शेडेड रीजन जो है वो इस तरीके से है, ठीक है, अगर आपका शेडेड रीजन कुछ इस तरीके से है तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर आ जाएगा ए बी सी बार ए बी बार सी ए बार बी सी प्लस ए बी सी, ठीक है। तो कोई यहां पर इसे मिनिमाइज करके मुझे बता सकता है, देखो वेन डायग्राम का काम खत्म हो गया, अब मुझे सिर्फ ये चाहिए कि कोई क्या इसे मिनिमाइज करके, जितना भी आप मिनिमाइज कर सको, क्या कोई भी मुझे इसे मिनिमाइज करके बता सकता है कि वाई का आंसर मैं क्या लिखूंगा। एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूं, तो क्या कोई भी इसे मिनिमाइज करके मुझे बता सकता है कि क्या होगा आपका वाई का आंसर। ओके वेरी गुड शुभम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर एक बात आपको समझना होगा, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना तो आप क्या कर सकते थे, आप यहां पर सिंपली ये कर सकते थे कि इन दोनों से आप बीसी कॉमन लेते तो ए प्लस ए बार वन हो जाता, फिर आप इन दोनों से क्या कॉमन ले लेते, यहां पर यहां से ए कॉमन आ जाता तो फिर बीसी बार प्लस बी बार सी आप लिख देते, वैसे वो एक्सोर होता है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप सिर्फ इतना ही सॉल्व करते। लेकिन यहां पर आपको यह समझना होगा कि मैंने जो सीक्वेंस बनाया है, हो सकता था मैं वैसा लिख देता, मैं ए बार बी सी पहले लिखता और ए बी सी बार यहां लिखता, तो अगर मैं ए बी सी बार को इसके पास लिखता तो शायद मुझे यह दिखाई देता कि इन दो टर्म से, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म से मैं ए बी कॉमन ले लूं तो सी प्लस सी बार वन हो जाएगा, जैसे मुझे यहां पर दिखाई दिया कि मैं बी सी कॉमन ले लूं, या हो सकता था कि मैं इसको यहां लिखता तो मुझे इन दोनों से क्या दिखाई देता कि मैं ए सी कॉमन ले लूं तो बी प्लस बी बार वन हो जाता। तो बेसिकली यहां पर अगर आप देखोगे ना तो ए बी सी जो है एक ऐसा टर्म है जिसको अगर आप इसके साथ भी कॉमन लो तब भी आपके दो वेरिएबल आएंगे और एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है, मतलब बीसी आंसर आएगा, इसके साथ कॉमन लोगे तो आंसर एसी आएगा, फिर भी दो वेरिएबल आंसर आ रहे हैं, इसके साथ कॉमन लोगे तो आंसर ए बी आएगा, फिर से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है। तो जब भी आपको आपके इक्वेशन में कोई एक ऐसा टर्म दिखाई दे जो बाकी बचे टर्म्स के साथ इक्वल परफॉर्मेंस दे, कोई भी एक ऐसा टर्म दिखाई दे जो बाकी बचे टर्म्स के साथ इक्वल परफॉर्मेंस दे, तो बेस्ट तरीका यही रहता है कि आप उस पर्टिकुलर टर्म को रिपीट कर दो, उस पर्टिकुलर टर्म को रिपीट कर दो, उससे क्या बेनिफिट होता है, ध्यान रखना इक्वल परफॉर्मेंस देना चाहिए, ए बी सी इसके साथ ले लो चाहे इसके साथ ले लो चाहे इसके साथ ले लो, इक्वल परफॉर्मेंस दे रहा था इसलिए आपने ए बी सी को रिपीट किया, और यकीन मानो किसी भी टर्म को रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको पढ़ा चुका हूं ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी कितना होता है, ए बी सी होता है। तो फिर देखो एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, एक ही स्टेप में आपका आंसर आएगा और करेक्ट आंसर आएगा, मिनिमाइज्ड आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना आना चाहिए। तो वेन डायग्राम की प्रॉब्लम तो मुझे बतानी ही थी, लेकिन साथ साथ में हम ये प्रॉब्लम भी समझ सकते हैं कि कैसे, क्योंकि देखो आगे जाकर जब हम लोग हाफ एडर फुल सबट्रैक्टर ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट आपका वापस से यूज होगा, जहां पर आपको रिपीट करना पड़ेगा कैरी या बोरो के कैलकुलेशन के लिए। तो इस पॉइंट को आज से ध्यान रखना, और हर बार एक बात ध्यान रखना, मैं हर बार ये पॉइंट बोलता हूं हर एक लेक्चर में जब भी मैं पढ़ाता हूं डिजिटल, कि आप ना रट लेते हो उसको कि ऑलवेज ए बी सी रिपीट करना है, कोई जरूरी नहीं है कि ए बी सी हर बार रिपीट होगा, मैंने बोला एक ऐसा टर्म रिपीट करना है जो बाकी बचे टर्म्स के साथ इक्वल परफॉर्मेंस दे, तो हो सकता है किसी और क्वेश्चन में वैसा टर्म कोई और हो, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑलवेज ध्यान रखना। तो ये आपका होता है वेन डायग्राम का कंसेप्ट, ठीक है, सबको समझ में आ गया अच्छे से, तो आप ध्यान से अंडरस्टैंड करना। एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखो लेट सपोज आपके पास पी क्यू आर 3 वेरिएबल्स हैं एंड आपका जो आउटपुट है बुलियन एक्सप्रेशन का वो क्या है, आपका वाई है, पी क्यू आर आपके 3 इनपुट वेरिएबल है, साफ साफ मेंशन है, ठीक है। आपको बोला है वाई इज 1 इफ एनी ऑफ द गिवन बिलो कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। तो यहां पर 4 कंडीशन दी है, ये आपकी प्रॉब्लम है। कंडीशन 1 आपको दी हुई है कि P इज ट्रू
एंड क्यू इज फॉल्स, कंडीशन टू दी हुई है, क्यू इज ट्रू एंड पी इज फॉल्स, कंडीशन थ्री दी है, पी इज ट्रू एंड क्यू इज ट्रू एंड आर इज ट्रू, ओके यहां आर है, और कंडीशन फोर क्या दी है, P is false and Q is false and R is false. ये आपको चार कंडीशन यहां पर गिवन है. जो इस तरह की प्रॉब्लम मैं आपको करवा रहा हूं ना, इस प्रॉब्लम की मीनिंग सिर्फ इतनी है कि आगे जाकर जब हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे, जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ना थ्योरी लिखी होगी और थ्योरी से आपको इक्वेशन बिल्ड करना होगा. तो ये सारी चीजें ना आपको क्लियर रहनी चाहिए कि थ्योरी से इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं. ठीक है, काफी इजी है. आपको यहां पर बोला है कि आपको y का एक्सप्रेशन लिखना है. कोई लिख के बता सकता है आपको यहां पर क्या बोला हुआ है कि आपको किसका एक्सप्रेशन लिखना है? आपको यहां पर y का एक्सप्रेशन लिखना है. मैं रिपीट कर देता हूं, p q r आपके थ्री इनपुट वेरिएबल्स हैं, जो आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो y है. बोला है y की वैल्यू 1 होगी इफ एनी ऑफ द गिवन बिलो कंडीशन सेटिस्फाइड, p इज ट्रू एंड q इज फॉल्स, q इज ट्रू एंड r इज फॉल्स, P is true, Q is true and R is true, P is false and Q is false and R is false. Okay, Shubham ने आंसर दिया है. Yes, very good, Shubham. SOP form में लिखना होगा. उसका रीजन ये है कि Y equal to 1 given है. देख सकते हो आप, यहां पर साफ साफ मेंशन है कि Y equal to 1 होगा if any of the given below condition satisfies. इसको numerical की तरह treat मत करना, इसको theory की तरह treat करो. आगे जाकर बहुत help होगी आपकी. तो बताओ किसी का अगर आंसर आ रहा है तो क्या लिखेंगे? तो आप ध्यान से देखो, मैं यहां पर सिखा देता हूं आपको. अगर अभी तक आंसर नहीं आया तो देखो, आपको यह समझना होगा कि y इक्वल टू 1 गिवन था, मतलब एसओपी फॉर्म. यह आपको क्लियरिटी रखनी है. तो आप यहां पर क्या लिखोगे, y p कॉमा q कॉमा r इज इक्वल टू, y जो है आउटपुट है, तीन इनपुट वेरिएबल पर डिपेंड करता है. आपको देखो गिवन है p इज ट्रू एंड q इज फॉल्स. तो एसओपी फॉर्म में आपको पता है ट्रू मतलब नॉर्मल और फॉल्स मतलब बार. एसओपी फॉर्म में यही होता है, सिंपल है. तो ये हो जाएगा पी क्यू बार. देखो आपको ये समझना होगा, यहां पर ये गिवन है इफ एनी ऑफ द गिवन बिलो कंडीशन सेटिस्फाई. एनी का मतलब समझते हो, चार में से एनी बोला है, मतलब या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो, मतलब कोई भी एक हो जाए. तो एक्चुअल में क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है, लेकिन रियलिटी क्या है यहां पर कि हर एक कंडीशन आपकी और है. या तो ये सेटिस्फाई हो जाए, या तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए. तो एनी का मतलब आपका यही होता है. पॉइंट समझ में आ रहा है अच्छे से? तो एनी का मतलब क्या है, या तो ये या तो वो. तो देखो, और का मतलब अल्टरनेटिव. और मतलब क्या होता है, प्लस. और ऑपरेशन मतलब प्लस ऑपरेशन. तो देखो, जब भी अल्टरनेटिव होना आपको ऑलवेज प्लस लगाना है. और देखो यहां पर एंड मेंशन था, एंड मतलब डॉट, एंड गेट डॉट. देखो P इंटू क्यू बार, P इज ट्रू मतलब P डॉट, Q इज फॉल्स मतलब Q बार, फिर और अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब प्लस. कितना हो जाएगा, अब आपको क्लियर हो गया होगा, Q R बार प्लस पी क्यू आर प्लस पी बार क्यू बार आर बार. ठीक है, आप देख सकते हो सेकेंड कंडीशन क्या है, Q इज ट्रू मतलब Q, एंड एंड मतलब डॉट, R इज फॉल्स क्यू आर बार, P is true मतलब P, एंड मतलब डॉट, Q is true मतलब Q, एंड मतलब डॉट, R is true मतलब R. फिर से और, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब प्लस, कंपल्सरी मतलब एंड. ये हमेशा ध्यान रखो, कंपल्सरी. प्रोबेबिलिटी भी जब पढ़ोगे ना, प्रोबेबिलिटी, तो उस पर ध्यान रखना. जब भी अल्टरनेटिव रहेगा तो प्लस प्लस करना है, जहां भी कंपल्सरी है, एंड है, मजबूरी है जहां पर, वहां पर डॉट करना है. तो P is false मतलब P बार, एंड मतलब डॉट, Q बार एंड मतलब डॉट, और आर बार. ये आपका आंसर हो जाएगा. तो इस तरह से थ्योरी जब गिवन हो तो आपको इक्वेशन लिखना ऑलवेज आना चाहिए. ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे के आने वाले टॉपिक्स में. सबको ये सिचुएशन क्लियर हो पा रही है? किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. सबको क्लियर हो गया? शुभम, लिपिका, अनन्या या और भी जो अटेंड कर रहे हैं क्लास, सबको समझ में आया? ओके, ठीक है शुभम, वेरी गुड. तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोगों ने ड्यूल लॉजिक और वेन डायग्राम स्टडी किया है.
तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बुलियन के छोटे छोटे कंसेप्ट एक दो और बचे हैं जो डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग लॉजिक गेट स्टार्ट करेंगे जो कि काफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉजिक गेट्स पे मैं सिर्फ आपको एंड और ऑपरेशन जो अभी तक डिस्कस कर रहे हैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, उसके अलावा भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाऊंगा लॉजिक गेट्स पे, तो वो आपके लिए एक्चुअली बोल सकते हो बिगनिंग होगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं स्टॉप कर रहे हैं। अब आप लोग रिवाइज बस करते चलो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम लोग स्टडी करेंगे, लाइट लाइट स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे सब कुछ लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बस रिवीजन करते चले जाओ। और जो क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल्स, वो अभी कम कम आ रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसे है, आगे जाकर देखोगे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टॉप कर रहे हैं आज के लेक्चर में। ओके अनन्या, लेक्चर जो रहेंगे वो आपको ना शेड्यूल जो है अगेन मैनेजमेंट टीम से आपको मिल जाएगा, तो मतलब वैसे मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइम पे होगा 9 o'clock पे, तो आपको मैनेजमेंट टीम से शेड्यूल मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कर लेना तो वहां से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं फिर। थैंक यू।